नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्टडी मैटर में। मैं हूं अरुण और हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था। तो उत्तर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी। तो इसका उत्तर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का कितना है। तो 6 गुना है। अगला प्रश्न जो होगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 2n बराबर 46 होती है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न जो है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो उत्तर होगा 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो उत्तर है 1905 में। अगला प्रश्न जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो उत्तर है मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो उत्तर है टेस्ला। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो उत्तर है रदरफोर्ड। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन भी हो तो फिर गोल्डस्टीन जाता है आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उत्तर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। तो उत्तर है बेकिंग सोडा से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा हम्पी में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो उत्तर होगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो उत्तर है जजाति केसरी ने। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। तो उत्तर है जैन तीर्थंकर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहां स्तूप नहीं है। तो सांची भरहुत धमेक में तो है लेकिन रांची में नहीं है। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो उत्तर है 12 ज्योतिर्लिंग। अगला प्रश्न है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो ये एक मस्जिद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर है विजयनगर में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो इसका उत्तर होगा सामवेद में संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर है महा उपनिषद में।